क्या पास आ गया है चीन का अंत? कुदरत बनेगा कोरोना देने वाले चीन का काल? सच साबित होगी 1400 साल पहले की भविष्यवाणी? ज्योतिषियों का दावा, सूर्य ग्रहण चीन पर भारी। 21 जून का दिन ड्रैगन के लिए होगा विनाशकारी। पूरे मानव सभ्यता के लिए खतरा बने कोरोना वायरस का जनक चीन अब चौतरफा घिरा हुआ है। महाशक्ति अमेरिका के साथ चीन ट्रेड वॉर से शुरू हुआ टकराव कोरोना काल में शीत युद्ध में बदलता जा रहा है। अब अमेरिका ने चीन को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। इस जकड़ और पकड़ से ड्रैगन की सांसें तक सकते में है। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन अलग थलग है। विश्व की सारी महाशक्तियों ने चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। यही नहीं, चीन की ग्रह दशा ऐसी बिगड़ी कि घर में ऐसा घिरा कि अब रास्ता नहीं सूझ रहा। कहीं हांगकांग में विरोध को शांत करने के लिए जूझता रहा है, तो कहीं ताइवान पर हमले की बार बार धमकी देता रहा। साउथ चाइना सी में चीन की दबंगई ने कई पड़ोसियों को अपना दुश्मन बना दिया। इन सबसे जब जी नहीं भरा तो उसने लद्दाख में सीमा विवाद के बहाने चार जगहों पर घुसपैठ की हिमाकत कर दी। लेकिन अब आने वाले दिनों में शायद कुदरत चीन को ऐसी मार देने वाली है जिसकी शायद कल्पना भी किसी ने न की है, क्योंकि भारतीय ज्योतिषियों ने यह दावा किया है कि इस साल 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण चीन के लिए विनाशकारी साबित होगा। यही नहीं, छठी शताब्दी के देवज्ञ ज्योतिषी आचार्य वराह मिहिर ने बृहत संहिता ग्रंथ में यह बात लिख दी थी कि आषाढ़ माह में लगने वाला सूर्य ग्रहण चीन और उसके आसपास के इलाके के लिए विनाशकारी है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है। चारों तरफ ऐसा कोहराम मचा है कि बड़ी से बड़ी महाशक्ति इस अदृश्य वायरस के सामने घुटनों पर हैं। लेकिन इस सब के बीच एक अद्भुत खगोलीय घटना भी घट रही है। इस साल ऐसा संयोग बन रहा है जब एक महीने के भीतर तीन ग्रहण लगेंगे। इनमें दो चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण शामिल हैं। ये तीनों ग्रहण 5 जून से 5 जुलाई के बीच लगेंगे, जिनमें जून में दो और जुलाई में एक ग्रहण लगेगा। पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण 5 जून को था, इसके बाद 21 जून को सूर्य ग्रहण और फिर 5 जुलाई को एक और चंद्र ग्रहण लगेगा। लेकिन ज्योतिषियों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर है, क्योंकि इस घटना के बारे में देश के कई बड़े ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की है कि आने वाला वक्त चीन और उससे जुड़े भूभागों के लिए अच्छा साबित होने वाला नहीं है। ज्योतिषियों ने दावा किया है कि 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण चीन के लिए विनाशकारी साबित होगा। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी राज्य हैं, वहां पर इस ग्रहण की वजह से उपद्रव मच सकता है, या भारत की तरफ से कोई ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिसका गंभीर प्रभाव, जिसका उपद्रवी प्रभाव पड़ोसी देशों पर पड़ सकता है, यानी पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसकी संभावना बनती है। लेकिन ये बात जाने रहिए कि भारत की कुंडली का जो नायक है वो शनि है, और शनि चूंकि मजबूत है इसलिए पड़ोसी कुछ भी करें भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन 21 जून से लेकर के 4 जुलाई तक का जो समय है वो देश में राजनीतिक उथल पुथल का समय भी होगा, और पूरी दुनिया में राजनीतिक रूप से उथल पुथल होंगे। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर उपद्रव होने की संभावना बनती है, भारत के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है। इस बारे में ज्योतिष विद्या के जानकार बताते हैं कि 21 जून को मिथुन राशि पर लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत के उत्तर सीमावर्ती यानी चीन और उसके आसपास के काफी इलाके को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ग्रहों का योग काफी उत्पादकारी बन रहा है। इसके प्रभाव से भारत के सीमावर्ती उत्तर के देशों में लोग विद्रोह कर सकते हैं।
प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, सैन्य कार्यवाही या कहें तो युद्ध भी हो सकता है। चीन और उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ बुरा होने वाला है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों में दम इसलिए भी लगता है क्योंकि जो हालात चीन में बने हैं वो सभी उसे तबाही की ओर ही ले जा रहे हैं। लद्दाख में भारत और चीन की सीमाएं आमने सामने हैं। चीन के अंदर ही हांगकांग में अराजकता का माहौल है। वहीं कोरोना वायरस को लेकर विश्व के सभी महाशक्ति देश बल्कि चीन के पड़ोसी भी उसे घेरने में लगे हैं। ज्योतिषों की भविष्यवाणी को बल मिलता है आज से 1400 साल पहले लिखे एक भारतीय ग्रंथ से, जिसमें साफ लिखा था कि आषाढ़ माह में लगने वाला सूर्य ग्रहण गंधार यानी आज का गंधार पुलंद यानी कश्मीर और चीन के लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। दरअसल छठी शताब्दी के देवज्ञ ज्योतिषी आचार्य वराह मिहिर ने बृहत संहिता ग्रंथ के राहुचारा अध्याय के श्लोक संख्या 77 में जो लिखा है वो ये है कि आषाढ़ माह में लगने वाला सूर्य ग्रहण धरती के कुछ भूभागों के लिए विनाशकारी है। उज्जैन में जन्मे देवज्ञ ज्योतिषी आचार्य वराह मिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे और इन्हीं के बताए ज्योतिष सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। इन्हीं के बताए सिद्धांतों पर आज भी ज्योतिष विद्या टिकी हुई है। देश दुनिया के तमाम ज्योतिषी इसका पालन भी करते हैं। ग्रहण की जब भी बात आती है तो एक कलेक्टिव स्टडी की जाती है, एक पर्टिकुलर किसी देश को, किसी जगह को वो ग्रहण जो है वो रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर ग्रहण का असर नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं इस ग्रहण का जो टाइमिंग रहेगा वो 21 जून को सुबह 10:20 से ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। मध्य काल जो रहेगा वो 12:17 पर रहेगा और जो इसका समाप्ति काल होगा वो दोपहर में 2:07 पर रहेगा। ज्योतिषियों की माने तो इस ग्रहण का असर भारत पर भी पड़ेगा जो देश के मध्यवर्ती भूभाग पर विशेष कुप्रभाव ला सकता है और संपूर्ण देश में अराजकता बढ़ेगी और अग्निकांड भी हो सकता है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्र में युद्ध की संभावना बनी रहेगी। ये हर तरीके से आपके मन पर, आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी असर दिखाने वाला है, लेकिन इस सूर्य ग्रहण से बचने का आपको हर संभव प्रयास करना है। इस देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा डाउन हो सकती है, मृत्यु दर के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये जो कोरोना काल जो इस समय जो चल रहा है इसमें हर तरीके से आप देखेंगे कि मृत्यु दर जो है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ गई है। ये साल पता नहीं क्या क्या दिखाने वाला है। पहले कोरोना की त्रासदी जिसने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया, फिर तूफानों से मची तबाही, तो कहीं टिड्डियों का हमला, तो कहीं दंगों की विभीषिका। लेकिन अब जिस तरह से भविष्यवाणी की जा रही है उससे तो ये लगता है कि ये साल पता नहीं क्या क्या और दिखाने वाला है। दस पाकिस्तानी चौकियां तबाह, आतंकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, पीओके में पाक को करारा जवाब। गुरुवार को भारतीय सेना ने पीओके में पाकिस्तानी चौकियों को धुआं धुआं कर दिया। बार बार सीज फायर तोड़ रहे पाकिस्तान के मुंह पर भारतीय सेना ने ऐसा तमाचा जड़ा जो आतंकिस्तान को कुछ दिन जरूर याद रहेगा। पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटी 10 पाकिस्तानी चौकियों पर भारतीय सेना ने गोले बरसाए और उन्हें तहस नहस कर दिया। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। दरअसल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की थी जिसमें सेना के जवान गुरचरण सिंह शहीद हो गए। नौशेरा सेक्टर में भी पाकिस्तान की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए गुरुवार को भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। भारतीय सेना ने कहवलियन नाली समहानी सेक्टर में पाकिस्तानी चौकियों पर जोरदार जवाबी हमला किया जिसमें उसे भारी नुकसान हुआ है।
पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद जवान गुरचरण सिंह का पंजाब के गुरदासपुर में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया।